और आज चुनाव का दिन, लोकसभा चुनाव के पांचवें फेज और झारखंड में दूसरे फेज के लिए आज वोटिंग होगी। झारखंड में 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में मतदान होना है। यहां सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस फेज के में देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान जैसे नेताओं की साख दांव पर है। इन 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल है। बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट में आज वोटिंग होगी। तीनों सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चतरा में बीजेपी की तरफ से कालीचरण सिंह, तो वही कांग्रेस के एन त्रिपाठी को उतारा है। इस सीट पर कुल 22 प्रत्याशी चुनावी दंगल में है। हजारीबाग की सीट पर बीजेपी की तरफ से मनीष जायसवाल है, कांग्रेस ने जेपी पटेल को उतारा है। हजारीबाग सीट से 17 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। कोडरमा सीट से बीजेपी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी लड़ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से मालिक विनोद सिंह को उतारा गया है, तो वहीं जेपी वर्मा निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। कोडरमा में 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में 6,705 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में झारखंड की तीनों लोकसभा सीटों पर 58,34,618 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद करेंगे। इनमें 29,99,233 पुरुष और 28,35,329 महिलाओं के अलावा 56 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल है। वही गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भी आज वोटिंग होगी। यहां से जेएमएम ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, तो वही बीजेपी ने दिलीप वर्मा को उतारा है। इसके लिए 375 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर मतदाता, सांसद और विधायक दोनों ही पदों के लिए अलग अलग ईवीएम में वोट डाले जाएंगे। कुल 3,16,214 मतदाता वोट इस उपचुनाव में डालेंगे। कल जिन सीटों पर वोटिंग होने आज जिस इन जिन सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उनमें से एक है चतरा। यहाँ हमेशा बाहरी भीतरी की लड़ाई के बीच वोटिंग होती है। चतरा में इस बार स्थानीय बनाम विकास की लड़ाई है। यहाँ बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी की मांग को देखते हुए जहाँ लोकल व्यक्ति कालीचरण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, वही कांग्रेस इलाके के विकास को मुद्दा बनाकर मैदान में केएन त्रिपाठी के साथ कूदी है और लोगों को क्षेत्र के विकास का भरोसा भी दे रही है। चतरा में स्थानीय सांसद की मांग 7 दशकों से होती रही है, क्योंकि यहाँ से अब तक कोई स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बना। संयुक्त बिहार के जमाने से ही स्थानीय को टिकट देने की गुजारिश की जाती थी। अब पहली बार है जब चतरा के स्थानीय को भाजपा ने टिकट दिया है, तो यहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि सभी दलों में स्थानीय प्रत्याशी की मांग प्रमुख रहे। यहाँ से कुल 22 उम्मीदवार चुनावी दंगल में कूद रहे हैं। चतरा सीट पर कुल 16,87,841 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 8,60,982 है। और अधिक बातचीत और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत लाठार के पोलिंग बूथ से जुड़े हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, आज वोटिंग का दिन है, 3 लोकसभा सीटों पर जो है आज मतदान होना है। झारखंड के दूसरे चरण का मतदान है, वही पांचवें चरण का मतदान देश के जो है आज होने वाला है, और चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट पर जो है आज वोटिंग होने वाली है। फिलहाल बूथ के पास आप है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशियों ने जो वायदे, जो दावा जनता के साथ किया, अब उसका वक्त खत्म हो चुका है और अब समय है जनता जनार्दन के जवाब देने का। आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार को लेकर जो तैयारियां है वो लगभग पूरी कर ली गई है और मैं आपको
तस्वीर दिखाता हूं चतरा लोकसभा स्थित लातेहार जिले का, जहां पर फिलहाल मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा कर्मियों को काफी संख्या में तैनात किया गया है और जो वरीय पदाधिकारी है वो लगातार उन सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि जब मतदाता पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, उस दौरान किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं हो, उसका विशेष ख्याल रखा जाए। आप देखिए कि यह जो मतदान केंद्र संख्या है 203 और 204, जहां चतरा लोकसभा से संबंधित जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला आज किया जाएगा। और फिलहाल अलग अलग पार्टियों के जो पोलिंग पार्टी के जो एजेंट हैं वो पहुंच चुके हैं, मॉक पोल जो है वो किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा उत्साह अगर लातेहार की बात करें तो महिला मतदाताओं में बीते कई मिनटों से यह महिला जो है वो मतदान से पहले एक घंटे पहले मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी है ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आप देखिए फिलहाल मतदान केंद्र में जो है वो मॉक पोल किया जा रहा है, ईवीएम की टेस्टिंग की जा रही है और जैसे ही यह मॉक पोल सफल हो जाएगा उसके बाद बारी मतदाताओं की होगी। जब मतदाता अपने पसंदीदा, अपने देश हित में काम करने वाले, संसदीय क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला करेंगे। फिलहाल मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और सफल मॉक पोल होने के बाद अब मौका मतदाताओं का, जब 7 बजे से मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, महिला और पुलिस बटालियन के जो लोग हैं उनकी तैनाती की गई और साथ ही जो मतदान कर्मी हैं उन्हें भी यह हिदायत दी गई है कि मतदाताओं के विशेष ख्याल रखें, मतदाताओं के सुविधा का विशेष ध्यान रखें। कुछ महिलाएं जो पहुंची है मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह का वक्त है और आप महिलाएं जो हैं वो अमूमन इस टाइम में अपने घरों में रहती हैं, काफी बिजी रहती हैं, किचन में खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई करना हो, बावजूद मतदान केंद्र पहुंची है, कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर? बहुत ज्यादा जी हाँ, हम लोग को लगा कि अभी मॉर्निंग के टाइम है, पहले हम लोग वोट मार के आ ही लेंगे तभी खाना बनाएंगे, पहले हम लोग वोट मारने चलते हैं। बिल्कुल, लातेहार की अगर बात करें तो यहाँ काफी गर्मी पड़ रहा है और अभी सुबह का वक्त है, ठंडा का मौसम है, वैसे में आप लोगों ने सोचा कि अभी वोटिंग कर ले ताकि आराम से फिर घर का काम धाम हो। हाँ जी, सब होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि बच्चे के साथ जो है वो पहुंची है, कितना उत्साह मतदान को लेकर? सर बहुत अच्छा है, घर में काम उम सब छोड़ छाड़ गया है, पहले नंबर वोट मारे उसके बाद वोट मार के जाएंगे घर। कितना खुशी महसूस होता है, कितना गर्व लगता है कि आपको ये अधिकार मिला है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा, 5 साल में एक बार यह त्योहार आता है। सर बिल्कुल, आप चेहरे की मुस्कान को देखकर खुद भी अंदाजा लगा सकती हैं अनुष्का कि इन मतदान कर्मियों में जो है वो कितना उत्साह है, मतदाता जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, सुबह का वक्त है, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, क्या सोचकर मतदान करेंगे, कौन आपके लिए देश के लिए हित में होगा, पार्टी और प्रत्याशी का नाम नहीं बताएंगे? देश हित में मतदान अति आवश्यक जरूरी है और सुबह का समय है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले मतदान करके उसके बाद जलपान करें और आज ये लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी एकदम आनंदित हैं कि पहले हम लोग वोट दे लें उसके बाद अपना काम करें। बिल्कुल, पहले मतदान उसके बाद जलपान, सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने, तब जलपान हो करेंगे, मतदान दे के जलपान करेंगे। क्या सोचकर चतरा की जनता, लातेहार की जो जनता है वो मतदान करेगी इस बार? मतदान करेंगे, जय श्री कृष्ण।
लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिएगा, जब आप मतदान कीजिएगा अपने उंगली पर जो स्याही है मतदान का जो निशान है वो लेकर जब जाइएगा तो लोगों को भी आग्रह कीजिएगा ना कि वोट करें। हाँ, गांव में सबके आग्रह करेंगे कि वोट दें और वोट देकर अपना आवें, अपना घर में सुरक्षित रहें, अच्छा से रहें। सुबह के समय है, गर्मी के बहुत पड़ रही है, इसलिए सुबह पर हम लोग आए हैं वोट देने के लिए। बिल्कुल, आप देखिए कि यह वही मतदाता, जागरूक मतदाता है जो पहुंचे हैं अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आज देश का सबसे बड़ा त्योहार, झारखंड के दूसरे चरण का मतदान लोकसभा के 3 सीटों पर होना है और आज के दिन सुबह सुबह कोई किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा बल्कि यह पूछ रहा है कि आपने मतदान किया या नहीं किया। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए आज जितने भी वोटर सभी पहुंचे हुए सब में उत्साह दिख रहा है क्योंकि सुबह सुबह का काम छोड़कर सबसे पहले सब लोगों ने यही सोचा कि पहले वोट दे ले उसके बाद आगे के कुछ काम में जो है हाथ बटाएंगे। चलिए फिलहाल बने रहिए सत्य बात आपके साथ, लौटेंगे आपके पास फिर से। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र में कोडरमा जिले समेत हजारीबाग और गिरिडीह जिले के कुछ इलाके शामिल किए गए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। यह क्षेत्र अभ्रक नगरी के सग्रह के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा जिन्होंने 2019 में आरजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थामा और जेवीएम के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को 4.5 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराया था। बाबूलाल अब बीजेपी में है, इधर इंडिया अलायंस में ये सीट लेफ्ट के खाते में गई है। यहाँ भाकपा माले के विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद बगोदर विधानसभा सीट से विधायक भी है। वहीं 2 साल पहले बीजेपी छोड़े जेएमएम में आने वाले जयप्रकाश वर्मा को टिकट नहीं मिल पाने पर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। और एक बार फिर से हम लातेहार के पोलिंग बूथ पर चलते हैं जहां हमारे संवाददाता सत्यव्रत मौजूद है। सत्यव्रत देखिए अभी आपने जिस तरीके से वोटर लोग से बात करने की कोशिश की, उत्साह दिख रहा था, अभी फिलहाल क्या और नजारा दिख रहा है? वोटर्स के आने की जो है अभी आना शुरू हो चुका है और लोग अब में कितना उत्साह दिख रहा है क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक शाम तक जो है वोटिंग चलने वाली है, तो फिलहाल आने की जो है स्टार्ट लोगों का आना शुरू हो चुका है, कितना उत्साह और दिख रहा है लोगों में क्योंकि महिलाएं भी पहुंच रही है पोलिंग बूथ पर, आपने दिखाया अभी जिस तरीके से, फिलहाल और क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल अनुष्का, आपको भी पता है कि आयोग के तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जो मतदाता सबसे पहले अपने मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले प्रथम मतदाताओं को जो है वो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जागरूकता के दृष्टिकोण से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। फिलहाल मतदान का जो समय है वो 7 बजे से शुरू होना है लेकिन कई ऐसे जागरूक मतदाता हैं जो अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें अनुष्का, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता है वो अपने मतदाताधिकार के प्रति जो है वो ज्यादा जागरूक होते हैं। यही कारण है कि करीब 1 घंटे पहले से लगातार जो मतदाता है वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और इस मतदान केंद्र पर किसी भी मतदाता को कोई असुविधा नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या फिर वैसे व्यक्ति जिन्हें चल फिर
पाने में समस्या है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है ताकि जैसे ही वो मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदान केंद्र के बाहर से ईवीएम तक जो है वो उन्हें व्हील चेयर के माध्यम से ले जाया जा सके और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उसके अलावा जो आम व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, भीषण इस गर्मी में पेयजल की व्यवस्था हो, लगातार मतदान केंद्र पर उसकी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही आप देखिए यह छोटे मासूम बच्चे जो आपको दिख रहे होंगे यह इसी राज्यकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय आश्रम लातेहार में पढ़ाई करते हैं और फिलहाल इन बच्चों को जो है वो वॉलेंटियर बनाया गया है ताकि जो मतदाता पहुंचे उनकी यह सहायता कर सके और इन बच्चों में जो कि आने वाले देश के भविष्य हैं, लातेहार के भविष्य हैं, उनमें भी यह मैसेज जा सके कि मतदान कितना जरूरी है। बाबू वोटिंग करना कितना जरूरी है क्या पता है आपको? बहुत जरूरी है सर। क्या कहा गया है आप लोगों को, क्या बोला गया है कि जब कोई आएंगे वोट करने के लिए तो कैसे उनका ख्याल रखना है? तीन ठो लाइन लगाना है, एक ठो पुरुष, एक महिला, विकलांग और बुजुर्ग लोग का, और लोग कोई दिक्कत होगा तो हम लोग को मदद करना है। मन लग रहा है? हाँ। आप इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं? हाँ। बिल्कुल आप समझिए ये बच्चे जो है वो छोटे मासूम बच्चे वॉलेंटियर हैं और मतदाताओं को कोई समस्या नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। आप देखिए कि एक माताजी हैं जिन्हें चलने में थोड़ी समस्या है बावजूद अपने मतदान केंद्र पहुंची हैं ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। दीदी सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचे हैं? हाँ पहुंचे हैं। हाँ मतदान पहुंचे हैं। नहीं बोलिया नहीं निकल रहा है, इटियो नहीं पार रहे हैं। घर में खाना पीना बन गया कि पहले मतदान? नहीं पहले मतदान करे आए हैं कि खाना पीना भी थोड़े बना है। अच्छा क्या बोलना चाहिएगा वैसे लोग को जो अभी भी घर में है कि जल्दी बाहर निकले, आपको पैर में प्रॉब्लम है फिर भी पहुंचे हैं? हाँ तो क्या करें, तो इधर ना जरूरी नहीं है तो। बिल्कुल आप समझिए कि ये बुजुर्ग माताजी अपने मताधिकार के प्रति कितनी जागरूक हैं, अहले सुबह मतदान केंद्र पहुंची हैं ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके देश हित के लिए। आप देखिए कि लगातार जो मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मी है उन्हें ब्रीफिंग की जा रही है कि कौन सुरक्षा कर्मी किस जगह मौजूद रहेंगे और किस तरह से मतदान के इस प्रक्रिया लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। दादा सुबह सुबह पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, कितना उत्सुकता है मतदान को लेके? बात सही है। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि सबको अच्छा रहे और सुरक्षित बने, है ना, अच्छा वोटर दे। हाँ लोगों से आग्रह किए अपने जान पहचान वाले से कि जल्दी चलो सुबह सुबह का वक्त है फिर धूप निकल जाएगा वोटिंग कर लो? नहीं नहीं तो वोटिंग में जो है ना कि सबको समझ अच्छा है और सबको आ रहे हैं, है ना, लेकिन खाना पीना जो कि खाना पीना बना के मतलब कि आएगा तब ना, मतलब बाल बच्चा के देखना है, घर परिवार देखना है। वोटिंग भी तो देखना है ना, पांच साल में एक बार आता है। अरे वोटिंग देखना है तो वोटिंग बिना खेले चलेगा? मतलब कि बाल बच्चा देखेगा, अब बाल बच्चा देखेगा तब तब खिला पिया के मतलब वोटिंग करने आएगा। बिल्कुल आप देखिए कि लगातार जो लोग हैं वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है और वैसे में ज्यादातर जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि गर्मी के इस मौसम में सुबह सुबह ठंड रहता है वैसे में वोटिंग हो जाए ताकि एक बड़ा जिम्मेवारी जो है उसका आप निर्वाह कर सकें, यही कारण है कि लोग सुबह पहुंचते हैं। सही बात है, सुबह सुबह हो जाने के बाद भी टाइम निकलता है हम लोग को, सुबह दे देने के बाद आराम मिलता है दिन भर। अच्छा कितना गर्व महसूस होता है कि संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप जो है वो प्रत्याशी का चुनाव कर सकते हैं, अपने हित में देश हित में मतदान कर सकते हैं? हम लोग को बहुत बड़ा मैंने जो अपने साटने का अपना नेता को अथी बड़ा बहुत बड़ा अथी है, वो हम लोग चुनते हैं जब मतदान केंद्र मैंने देते हैं वोट। बिल्कुल अनुष्का यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान ने यह अधिकार दिया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, देश के विकास उन्नति और समृद्धि के लिए
अपना भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अब इंतजार है 7 बजे का कि जैसे ही 7 बजता है लोग अपने ईवीएम का बटन दबा सके, अपने पसंदीदा, अपने लिए बेहतर काम करने वाले, देश के लिए, संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी का चुनाव कर सके, उनके किस्मत को ईवीएम में कैद कर सके। अनुष्का, बिल्कुल सत्यव्रत, और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, चाहे बात बुजुर्ग वर्ग के लोगों का है या फिर मध्यम वर्ग के लोगों का है, सभी लोगों में बराबर उत्साह दिख रहा है और काफी जागरूक दिख रहे हैं मतदाता कि सुबह सुबह वोट देने पहुंच गए हैं, उसके बाद ही अपना कोई कार्य करेंगे और सबसे पहले वोट करने के लिए सभी मतदाता पहुंचे हुए हैं। ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि मतदाता काफी जागरूक है इसे लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए। फिलहाल इंतजार 7 बजे का जब वोटिंग शुरू होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।